मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत और निकाय चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा है कि हम ओबीसी और समाज के सभी वर्गों को न्याय देकर आगे बढ़ेंगे। महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद प्रारंभ करेंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं और विजयी होंगे। चुनाव को रुकवाने का पाप कांग्रेस ने किया है। हम लोगों की तैयारी पूरी हो गई थी। हम लोग तो मैदान में जा रहे थे। तीन तीन मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिए। इनने तो ओबीसी के किसी आदमी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, लेकिन षड्यंत्र और महापाप कांग्रेस ने किया है। तो एक इनके इस पाप का पर्दाफाश भी करना है, लेकिन दूसरी बात जो अध्यक्ष जी ने कही है, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो, करेंगे पूरे आत्मविश्वास के साथ। महाविजय का इतिहास रचने, ओबीसी को न्याय देकर, समाज के सब वर्गों के को न्याय देकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद प्रारंभ करें अध्यक्ष जी, पूरी तरह से हम तैयार हैं और विजयी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तीन तीन मुख्यमंत्री तो सुना आपने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ओबीसी आरक्षण पर उन्होंने कहा कि हम ओबीसी आरक्षण के साथ आगे बढ़ेंगे और पंचायत चुनाव निकाय चुनाव का उन्होंने ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा कि हम ओबीसी और समाज के सभी वर्गों को न्याय देकर आगे बढ़ेंगे। सोहन सिंह हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता भोपाल से। चौहान, आरक्षण मामले को लेकर दिल्ली में मीटिंग होती है और रिव्यू पिटिशन लगाने की बात कही जाती है, उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया और पंचायत और निकाय चुनाव की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ओबीसी और समाज के सभी वर्गों को न्याय देकर आगे बढ़ेंगे, हम चुनाव का ऐलान भी उन्होंने कर दिया। किस तरह देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरह से ओबीसी आरक्षण पर सियासत शुरू हुई है, उसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश अध्यक्ष और साथ में संगठन महामंत्री गजानंद के साथ जो है वर्चुअली कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उसमें कहीं ना कहीं पूरी बात यही निकल के आई कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस जो भ्रम फैला रही है, तो उस भ्रम को जो है दूर करना है। यहाँ तक कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये तक कहा है, उसमें अगर आप वर्चुअली संबोधन को सुने और जिस तरह से हम सुना रहे हैं कि कांग्रेस ने पाप किया है और कांग्रेस ने ही जो है इसमें लेके पूरा आरंदा लगाया था, और जिसकी परिणति आज ये है कि ओबीसी वर्ग जो है जिसको आरक्षण मिलना था या जो उनके लिए भला होना था, जो सरकार ये कहें कि भाजपा की सरकार जो चाहती थी, वो भला जो है उनके लिए नहीं हो पाया। इसी को लेके कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पूरी तरह से एकजुट हो जाए और अब मैदान में उतरना है। और बीजेपी भी जिस तरह आप देखते हैं, आज कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो बीजेपी भी जो है इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करेगी, बल्कि ये बताएगी कि ओबीसी वर्ग के लिए बीजेपी की सरकार ने क्या किया है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, और क्या आगे कर रही है। और खासतौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, देखिए कल ही सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली गए, उन्होंने आज ये तक बोल दिया कि इसको लेके जिस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसको लेके उन्होंने अपना विदेश दौरा जो है वो तक रद्द कर दिया और पूरी तरह से अब सरकार इसी संकल्प के साथ चल रही है कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। वो अभी भी इसको लेके कटिबद्ध है और इसके लिए कल दिल्ली में अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हो, इनसे भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह ने मुलाकात की है कि उसको किस तरह से अब जो आगे इसको बढ़ाया जाए, और साथ में जो है मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर जो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया जाएगा कि इसको सुना जाए और हमारे तथ्यों को, जो हमने तथ्य पेश किए या जो और भी आगे तथ्य आए, उस तथ्य को भी रखा जाएगा। पूरी तरह से अब बीजेपी इस मामले में कहें कि भुनाना भी चाहती है, इसी वर्ग को साधना भी चाहती है और कार्यकर्ताओं को भी एकजुट करना चाहती है। किसी भी तरह से जो मैसेज है या कांग्रेस जिस तरह से मैसेज कन्वे कर रही है, वो मैसेज पूरी तरह से गलत है। भाजपा ओबीसी उद्देशी है, ओबीसी वर्ग के साथ है, और इसलिए आप कल देख ही रहे हैं कि बी डी शर्मा ने खुद ऐलान किया है कि जो भी अब निकाय चुनाव होंगे उसमें 27% आरक्षण जो है ओबीसी को बीजेपी देगी, और जहां अगर जरूरत पड़ेगी या जहां उस तरह से कैंडिडेट होंगे या वहां की जो आबादी होगी या ओबीसी अगर वहां पर ज्यादा फैक्टर है, तो उससे ज्यादा भी आरक्षण जो है ओबीसी वर्ग को दिया जाएगा। दोनों दल बिल्कुल ओबीसी के साथ में कवायद कर रहे हैं, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान साफ तौर से कह रहे हैं कि ये जो पाप किया है पूरी एकता के साथ, एकजुटता के साथ और पूरी ताकत के साथ, तन मन के साथ जो है अब कार्यकर्ताओं को एकजुट होना है, और पूरी तरह से जो है संगठन आज ही ये कार्यक्रम, जो मेरी जानकारी में आ रहा है कि संगठन आज ही ये कार्यक्रम तय कर देगा कि किस तरह से ये कार्यक्रम जो है आगामी कार्यक्रम इसको पूरी तरह से जारी किया जाए और कार्यकर्ताओं को एकजुट करके पूरी तरह से मध्य प्रदेश में इस तरह का माहौल बनाया जाए, इस तरह का वातावरण जो है क्रिएट किया जाए कि बीजेपी ही ओबीसी
देखी है और ओबीसी वर्ग के लिए हमने ये किया और अभी भी सरकार ने हार नहीं मानी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अलबत्त आ चुका है लेकिन सरकार अभी भी जो है रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी और उसके बाद जो निर्णय आएगा उसके आगे हम कह सकते हैं क्या फैसला होगा ये तो भविष्य में है लेकिन उसके बाद भी बीजेपी जो है सरकार जो है पूरी तरह से ओबीसी वर्ग के साथ है और ये सरकार यही दावा कर रही है कुछ सीएम शिवराज सिंह चौहान इसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ऐलान कर दिया है पंचायत नगरीय निकाय चुनाव होंगे, ओबीसी और समाज के सभी वर्गों को न्याय देकर आगे बढ़ेंगे, कहना सीएम शिवराज सिंह चौहान का। फिलहाल जिस तरह से राजनीति मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर सुहान शुरू हो गई, आगामी तस्वीर क्या बनेगी वाकई देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी का यूं कहा है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार गंभीरता से तल्लीनता से इसके मंथन को लेकर जुट गई है कि यह किस तरह से रिव्यू पिटीशन दायर की जाए और पंचायत नगरीय निकाय चुनाव आरक्षण के साथ होने को लेकर हर एक कवायद पूरी करती यहां पर नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि तथ्यों के साथ अब कोर्ट में मजबूती के साथ पक्ष रखा जाएगा।